चैप्टर 21, अलंकार, ऑर्नेमेंट्स। अलंकार क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार सुवर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी के शब्दों में काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, मतलब काव्य के शोभकारक धर्म गुण अलंकार कहलाते हैं। हिंदी के कवि केशवदास एक अलंकारवादी कवि हैं। अलंकार के प्रकार, अलंकार तीन प्रकार के हैं। शब्दालंकार, शब्द पर आश्रित अलंकार, अर्थालंकार, अर्थ पर आश्रित अलंकार, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार, आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए अलंकार। शब्दालंकार ये पांच प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, लक्षण या पहचान चिन्ह है व्यंजन वर्णों की आवृत्ति। उदाहरण या फिर टिप्पणी के बदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, तुलसीदास की रचना है। इसमें प द स र की आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। इसमें है पहला कि छेका अनुप्रास चिन्ह है कि अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमतः आवृत्ति, जैसे बदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इसमें पद पदुम में पद एवं सुरुचि सरस में सर स्वरूप की आवृत्ति हो रही है। पद में प के बाद द, पदुम में प के बाद द, और सुरुचि में स के बाद र, और सरस में स के बाद र, क्रम की आवृत्ति हो रही है। दूसरा है वृत्त्यनुप्रास, अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूप व क्रमतः आवृत्ति। के कलावती, केलीवती, कलिंदजा, मतलब कल की दो बार आवृत्ति जो स्वरूपतः आवृत्ति, क ल की दो बार आवृत्ति है क्रमतः आवृत्ति। तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार, तात्पर्य मात्रा के भेद से शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति, जैसे लड़का तो लड़की है शब्द की पुनरुक्ति, लड़का सामान्य लड़का, लड़का ही है, मतलब रूप बुद्धि शीलादि गुण संपन्न लड़का, अर्थ की पुनरुक्ति करना, ठीक है। दूसरा टाइप है यमक अलंकार, शब्दों की आवृत्ति, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों। कि कनक कनक ते सोगनी मादक ता अधिकाय बाखाए बोराए जग या पाए बोराए, ये बिहारी की है। अर्थ है कि कनक शब्द की एक बार आवृत्ति, एक का कनक का मतलब है सोना और दूसरा है धतूरा। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हों, जैसे रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम में लिखा है, इसमें मोती मानुष और चून, मोती का मतलब चमक, मानुष का मतलब प्रतिष्ठा और चून का मतलब जल। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार, प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न, ठीक है। उदाहरण है एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। वक्रोक्ति अलंकार के दो प्रकार होते हैं, पहला है श्लेष मूला वक्रोक्ति,
चिन्ह है अर्थश्लेष के द्वारा वक्रोक्ति, कि उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर सपर है। गुरु भक्त सिंह ने लिखा है यहाँ पर जो पूर्वार्ध में जहांगीर ने दूसरे कबूतर के बारे में पूछने के लिए अपर दूसरा शब्द का प्रयोग किया है, जबकि उत्तरार्ध में नूरजहां ने अपर का बिना पर मतलब बिना पंख वाला अर्थात का उत्तर दिया है। दूसरा टाइप है काकुमूला वक्रोक्ति, चिन्ह है कि काकु ध्वनि विकार आवाज में परिवर्तन के द्वारा वक्रोक्ति, जैसे आप जाइए तो मतलब आप जाइए तो आप नहीं जाइए। पांचवा अलंकार विप्सा अलंकार, मनोभाव को प्रकट करने की के लिए शब्द दोहराना, जैसे विपत्सा दोहराना, जैसे छी छी राम राम चुप चुप देखो देखो। दूसरे प्रकार अलंकार का, पहला था शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार, अर्थ का अर्थ के हिसाब से अर्थालंकार पर आश्रित होता है। अर्थालंकार का पहला है उपमा अलंकार, लक्षण है कि विभिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन उपमा के चार अंग, इसमें उपमेय उपमान और समान। उपमेय क्या होता है, प्रस्तुत, उपमेय प्रस्तुत जिसकी उपमा दी जाए, उपमान या अप्रस्तुत जिससे उपमा दी जाए, और समान धर्म गुण मतलब उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला अभयनिष्ठ गुण। सादृश्य वाचन शब्द के उपमेय व उपमान की क्षमता बताने वाला शब्द सा ऐसा जैसा ज्यो सादृश्य समान। उपमा के दो प्रकार होते हैं, पहला है पूर्णोपमा, पूर्णोपमा जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हों, उदाहरण के मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख उपमय चंद्र उपमान, समान धर्म सुंदरता के सादृश्य वाचन शब्द सा। लुप्तोपमा जिसमें उपमा एक है के एक दो तीन अंग लुप्त जिसे गायब हो जाते हैं, जैसे मुख चंद्र सा है, तो समान धर्म सुंदरता का यहाँ पर लोप हो गया। अच्छा, अब आता है दूसरा प्रकार प्रतीप अलंकार, उपमा का उल्टा, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देना, जैसे मुख सा चंद्र है, तो मुख तो हो गया उपमान, चंद्र हो गया उपमेय, मुख सा चंद्र और चंद्र सा मुख है। ठीक है, अब उपमेय उपमा थर्ड अलंकार है, उपमेय उपमा यह है प्रतीप प्लस उपमा, जो उदाहरण के लिए मुख सा चंद्र और चंद्र सा मुख, यह है उपमेय उपमा। ठीक है, चौथा है अन्वय या फिर न अन्वय अलंकार, एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान दोनों कहना, जब उपमेय की क्षमता देने के लिए कोई उपमान नहीं होता और कहा जाता है कि उसके समान वही है, जैसे मुख मुख ही सा है, दूसरा राम से राम, सिया से सिया। पांचवा संदेश अलंकार, संदेह अलंकार, उपमेय में उपमान का संदेह, यह मुख है या चंद्र है, तो यहां पर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, छठा है उत्प्रेक्षा अलंकार, मतलब उपमेय में उपमान की संभावना, बोधक शब्द है मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु, जैसे मुख मानो चंद्र है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। अगला है सातवां रूपक अलंकार कि उपमेय में उपमान का आरोप निषेध रहित, जैसे मुख चंद्र है, ये रूपक अलंकार है। अगला है अपहूर्ति अलंकार, उपमेय में उपमान का आरोप निषेध सहित, उदाहरण यह मुख नहीं चंद्र है। नवा अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय को निगलकर उपमान के साथ अभिन्नता प्रदर्शित करना, जहां बहुत बड़ा चढ़ाकर लोप सीमा से बाहर की बात कही जाए, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है, जैसे यह चंद्र है,
अगला है उल्लेख अलंकार। विषय भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन या फिर उल्लेख, जैसे उससे उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है। दूसरा उदाहरण, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तेसी, के देख ही भूप महारन धीरा मनहु वीर रस घरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी मनहु भयानक मूर्ति तभारी। ये तुलसीदास की रचना है। ग्यारवा स्मरण अलंकार, के सदृश या विसदृश वस्तु के प्रत्यक्ष से पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण। उदाहरण, चंद्र को देखकर मुख याद आता है। बारवा अलंकार है भ्रांतिमान या फिर भ्रम अलंकार। क्या होता है ये, कि सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना। नोट, भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय व उपमान के सादृश्य का आभास सत्य मान लिया जाता है, परंतु संदेह अलंकार में दुविधा संदेह बनी होती है। यह, या, वो, ये। उदाहरण, के फिरत धरन नूतन पथिक चले चकित चित भागी, के फूलियो देखी पलासवन समूहे समुझी दवागी। ये बिहारी की रचना है। और एक और उदाहरण, कि यहाँ विदेश गमन करने वाले नए पथिक या फिर पुष्पित पलास वन को देखकर पलास के फूल बहुत लाल होते हैं, उसे दावाग्नि जल की आग समझकर डर से फिर घर लौट आते हैं। तेरा है 13 के तुल्य योग्यता। क्या होता है ये, अनेक प्रस्तुतों या अप्रस्तुतों का एक धर्म में संबंध बताना। उदाहरण, अपने तन के जाननी के जोबन नृपति प्रवीण स्तन मन नेन निंतम को बड़ो इजाफा कीन। बिहारी का है कि या यौवन के वर्णन में स्तन मन नेत्र व चितंब सबों का बढ़ना प्रासंगिक है, अतः ये सभी प्रस्तुत हैं और सबों का बड़ो इजाफा कीन इस एक साधारण धर्म द्वारा संबंध कथित है। अगला है दीपक अलंकार, प्रस्तुत व अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध बताना। उदाहरण, के मुख और चंद्र शोभते हैं। 15 है प्रति वस्तुपमा अलंकार, उपमेय व उपमान वाक्यों में एक ही साधारण धर्म को विभिन्न धर्म शब्दों से कहना। उदाहरण है, कि मुख को देखकर नेत्र नृत्य हो गए, नेत्र तृप्त हो जाते हैं। मुख को देखकर नेत्र तृप्त हो जाते हैं, यह उपमा वाक्य है। दर्शन, चंद्र दर्शन से किसकी आंखें नहीं जुड़ाती, यह उपमान वाक्य है। 16 दृष्टांत अलंकार, के उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव, भाव साम्य एक ही आशय की दो भिन्न अभिव्यक्ति के उसका मुख निसर्ग सुंदर प्राकृतिक रूप से सुंदर है, चंद्रमा को प्रसाधन की आवश्यकता। मूल आशय, सुंदर वस्तु का स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से सुंदर लगना। अगला है निदर्शना अलंकार, उपमेय का गुण उपमान में अथवा उपमान का गुण उपमेय में आरोपित होना। के रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति रतन पदार्थ मानिक मोती। ये जायसी की लिखी हुई है कि यहाँ पद्मावती की दंत ज्योति उपमेय से रवि शशि नक्षत्र रत्न मणिक्य और मोती सभी उपमान का ज्योतित होना कहा गया है। अतः उपमेय का गुण दीप्त होना चमकना, उपमान में आरोपित होने से निदर्शन अलंकार है। अगला है व्यतिरेक, के उपमान की अपेक्षा उपमेय का व्यतिरेक यानी उत्कर्ष वर्णन। उदाहरण, कि चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समानता कैसी। अगला है सहोत्य अलंकार, कि सहार्थक शब्द के बल से जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले। सहार्थक शब्द सह
संग साथ आदि के भोहनी संग चढ़ाइयो कर गप कही चाप मनोज नाह नेह संग ही बढ़ो लोचन लाज रोज। यह नायक का के यौवन का वर्णन है कि भवों की कुटिलता के साथ साथ काम के धनुष चढ़ाया। तात्पर्य यह है कि उन बंकिम भवों से मन में काम विकार उत्पन्न हुआ, वैसे ही प्रिय के प्रेम के साथ साथ नायिका के नयनों में लाज व स्तन बढ़े। विनोक्ति अलंकार, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के बिना अशोभन या शोभन बताए जाए कि बिना पुत्र सुना सदन गत गुण सुनी देह वित्त बिना सब शून्य है प्रियतम बिना स्नेह। यहाँ पुत्र के बिना घर, गुण के बिना शरीर, धन के बिना सब कुछ और प्रियतम के बिना स्नेह की अशोभना बताई गई है। अगला है समाशोक्ति अलंकार, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन के चंपलता सुकुमार तु धनत्व भाग्य विशाल तेरे ढिग सोहत सुगत सुंदर श्याम तमाल। यहाँ कहा जा रहा है प्रस्तुत चंपक लता से जो तमाल वृक्ष से लपटी है, अरे चंपक लता तू बड़ी कोमल है, तू धन्य और बड़ी भाग्यशाली है जो तेरे सब समीप सुखद सुंदर श्याम तमाल शोभ रहे हैं। लेकिन चंपक लता व तमाल के माध्यम से अप्रस्तुत राधा व कृष्ण का वर्णन किया गया है। अन्योक्ति अप्रस्तुत प्रशंसा के समासोक्ति का उल्टा यानी अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन के नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल। बिहारी की है कि यहाँ भ्रमर और कनी कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है, जिसका माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया है। पर्यायोक्ति अलंकार, सीधे न कहकर घुमा फिरा कर कहना कि आपने कैसे कृपा की, इसका अर्थ है आप किस काम से आए हैं या किस काम के लिए आए हैं। व्याज स्तुति या व्याज निंदा, निंदा से स्तुति या स्तुति से निंदा की प्रतीत के उधो तुम अति चतुर सुजान जे पहले रंग रंगी श्याम रंग तिन्हना चढ़े रंग आन। ये सूर की है, यहाँ उद्दत की प्रशंसा में निंदा भी छिपी है। परिकर अलंकार, यह यदि विशेषण सभी प्राय हो जानो ना नेक व्यथा पर की के बलिहारी तौपे सुजान कहावत। अगला है परिका कराकुर अलंकार लक्षण, यदि विशेष सभी प्राय हो धारण प्यारी कहत लजात नहीं पावस चलत विदेश। बिहारी की है। आक्षेपश अलंकार, आक्षेप अलंकार, ये किसी विवाचित वस्तु को बिना पूरा किए बीच में ही छोड़ देना। आपसे कहना तो बहुत कुछ था पर उससे लाभ क्या होगा। विरोधाभास अलंकार, के विरोध न होने पर भी विरोध का आभास। मीठे लगे अखियान लुनाई। विभावना अलंकार, एक कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन। कि बिनुपद चले सुने बिनुकाना कर बिनु कर्म करे विधिनाना। तुलसी की है। विशेष योक्ति अलंकार, कारण के रहित हुए भी कार्य ना का ना होना। कि नैनों से सदैव जल की वर्षा होती रहती है तब भी प्यास नहीं बुझती। असंगति अलंकार, कारण और कार्य में संगति का अभाव। कारण कहीं और कार्य कहीं और। के उदाहरण है द्रग और छत टूटत कुटुम। यहाँ उलझती हैं आँखें अतः टूटना भी उन्हें ही चाहिए पर टूटता है कुटुंब से संबंध। विषम अलंकार, दो बेमेल पदार्थों का संबंध बताना। के को कही सके बड़ेन की लखे बड़ी हु भूल दिन है दई गुलाब के
इन डारन ये फूल, कहाँ तो गुलाब की कटीली डार और कहाँ ऐसे सुकुमार फूल। इन दोनों बेमेल वस्तुओं का एकत्रीकरण विधाता की भूल का ही तो परिणाम है। कारण माला अलंकार के एक का दूसरा कारण दूसरे का तीसरा बताना चाहना होता है कि होत लोभ ते मोह के मोह ही ते उपज गर्भ के गर्भ बढ़ावे कोह के कोह कलह कलहू व्यथा। इसमें लोभ मोह गर्भ क्रोध कलह व्यथा बताई गई है। अगला है एकावली अलंकार के पूर्व पूर्व वस्तु के प्रति पर वस्तु का विशेषण रूप से स्थापन या निषेध। उदाहरण है कि मानुष वही जो हो गुनी, गुनी जो कोविद रूप, ये कोविद जो कपि वद लहे, कपि जो उक्त अनूप। यहाँ मानुष विशेष और गुनी उसका विशेषण है, आगे चलकर यह गुनी ही विशेष हो जाता है और कोविद उसका विशेषण। काव्यलिंग लिंग कारण कि किसी कथन का कारण देना। पहचान चिन्ह जिसमें क्योंकि, इसलिए, चूंकि आदि की सहायता से अर्थ किया जाता है कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। एक का मतलब भी सोना, दूसरे का मतलब भी सोना। कि उही खाए बोरात नर इही पाए बोराए। इसमें कारण भी है, पहला भी कारण बोरात, दूसरा कारण भी वो। तो सोना धतूरे की अपेक्षा 100 गुना अधिक मादक होता है क्योंकि धतूरे को खाने पर नशा होता है, पर सोना हाथ में आते ही नशा हो जाता है। अगला है सार अलंकार वस्तुओं का उत्तरोक्तर उत्कर्षण वर्णन के अति ऊंचे गिरी, गिरी से भी ऊंचे हरिपद हैं, उनसे भी ऊंचे सज्जन के हृदय विशद हैं। यहां पर्वत की अपेक्षा भगवान के चरण और भगवान के चरण की अपेक्षा सज्जनों के हृदय का उत्कर्ष वर्णन है। अनुमान अलंकार साधन प्रत्यक्ष के द्वारा साध्य अप्रत्यक्ष चमत्कार पूर्ण वर्णन के मोहि करत कत बावरी किए दुराव दुरे दुरेन कहे देत रंग राती के रंग निचुरत से नैन। बिहारी यहाँ लाल आंखें देखकर रात की रति केली का अनुमान हो रहा है। रंग निचुरत से नैन साधन है जिसके द्वारा रात के रंग साध्य का अनुमान होता है। यह अगला है यथा संख्या या फिर क्रम अलंकार कुछ पदार्थों का उल्लेख करके उसी क्रम सिलसिले से उनसे संबंध अन्य पदार्थों कार्यों या गुणों का वर्णन करना। के मनिमानिक मुकता छबि जैसी अहिगिरी गजरी सिर सोहन तेसी। तुलसीदास की है। यहाँ पर प्रथम चरण में मणि मणिक्य और मुक्ता का जिस क्रम से कथन है, द्वितीय चरण में उसी क्रम से उनको जोड़ना पड़ता है। जैसे मणि सर्प के सिर पर, मणिक्य पर्वत पर और मुक्ता हाथी के मस्तक पर उत्पन्न होती है। अगला है अर्थापत्ति अलंकार चिन्ह है एक बात से दूसरी बात का स्वतः चिन्ह हो जाना। टिप्पणी अथवा एक परस में ही सब, अथवा एक परस में ही जब तरस रही में इतनी होगी विकल न जाने तब वह सदा संगनी कितनी। कुब्जा की उक्ति है कि कृष्ण के एक ही स्पर्श के बाद उसने वियुक्त होकर जब मुझे इतनी बेकली मतलब व्याकुलता बेचैनी है तो उसने बिछुड़ कर सदा साथ रहने वाली बेचारी राधा की कैसी दशा होगी। मैथिली शरण गुप्त की है। अगले है परिसंख्या अलंकार एक ही वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति संभव होने पर भी अन्यंत्र निषेध कर उसका एक स्थान में वर्णन करना। कि राम के राज्य में वक्रता केवल सुंदरियों के कटाक्ष में थी। ठीक। अगला है सम अलंकार परस्पर अनुकूल वस्तुओं का योग्य संबंध वर्णन। उदाहरण चिरजीवो जोरी
जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। बिहारी की है। यहाँ राधा और कृष्ण की योगी जोड़ी की प्रशंसा है। तदगुण अलंकार, अपने गुण को छोड़कर उत्कृष्ट गुण वाली दूसरी वस्तु के गुण को ग्रहण करना। के अरुण किरण माला से रवि की, निर्झर का चंचल उज्ज्वल जल, बन सुवर्ण पिघले स्वर्ण की, धारा सा बहता है अविरल। यहाँ सूर्य की लाल किरणों के संपर्क में आने से निर्झर का जल अपनी उज्ज्वलता को छोड़कर सूर्य की लालिमा ग्रहण कर सुंदर वर्ण माला बनाता है। अतदगुण अलंकार, तदगुण का उल्टा होता है। संत न छोड़े संत ही, कोटिक मिले असंत। अगला है मिलित। अच्छा, कि संत न छोड़े संत ही, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहे भुजंग। रहीम की है, लिखित है। अगला है मिलित या मिल जाना अलंकार, अनुरूप वस्तु के द्वारा किसी वस्तु का छिप जाना। कि बनन बांस सुकुमारता, सब विद रही समाए, पंखुरी लगी गुलाब की, गाल न जानी जाए। बिहारी की है। कि गुलाब की पंखड़ी नायिका के गाल पर सटी है, पर रंग गंध और कोमलता के अतिशय सादृश्य के कारण उस गुलाब की पंखड़ी का अलग से ज्ञान नहीं होता। उन्मिलित अलंकार, मिलित का उल्टा। के दिठी न परत समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत, परस पिछाने जात। बिहारी की है। मतलब यहाँ सुनहरे शरीर और सोने के आभूषण का अंतर नहीं दिखता, पर स्पर्श में कठोरता के अनुभव से आभूषणों और अंग का पार्थक्य मालूम पड़ता। सामान्य अलंकार, सदस्य गुणों के कारण प्रस्तुत का अप्रस्तुत के साथ भेद प्रतिपादन। यह उज्ज्वल प्रसाद चांदनी से मिलकर एकाकार, गुण साम्य सुंदरता के कारण प्रस्तुत प्रसाद अप्रस्तुत चांदनी से मिलकर अभिन्न प्रतीत हो रहा है। अगला है स्वभावोक्ति अलंकार, वस्तु का यथावत या फिर स्वाभाविक वर्णन। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु, तनु मंडित मुख धति लेप किए। सूरदास की है। यहाँ कृष्ण की बाल चेष्टा का स्वाभाविक वर्णन है। अगला है व्याजोक्ति अलंकार, व्याज मतलब छल बहाना, कि प्रकट हुए रहस्य को किसी बहाने से छिपा लेना। उदाहरण है कि कार्य वर्णन डरावनो, कत आवत इह गेह, केवा लख्यो सखी, लखे लगे थर थरी देह। बिहारी की है। मतलब क्या है कि नायिका किसी सखी के पास बैठी है, वहीं किसी काम से कृष्ण चले आते हैं। उन्हें देखकर नायिका को आलिंग नेच्छाजन्य कंपन थरथरी हो उठती है, पर उसे वह यह कह छिपाती है कि इस काले व्यक्ति को देखकर ही मैं डर से कांपने लगती हूँ। अगला है अर्थान्यंतरन्यास अलंकार, सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन करना। सामान्य मतलब अधिक व्यापी, जो बहुत पर लागू हो। विशेष अल्पव्यापी, जो थोड़े पर लागू हो। उदाहरण के जे रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत सुकंग, के जे रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विशत व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। रहीम की है। सामान्य का विशेष में से समर्थन, प्रथम चरण सामान्य बात, उद्वितीय चरण विशेष बात। लोकोक्ति अलंकार लक्षण, के प्रसंगवश लोकोक्ति का प्रयोग करना। उदाहरण है कि आछे दिन पाछे गए, हरि से कियो न हेत, अब पछतावा क्या करे,
चिड़िया चुग गई खेत, कबीरदास की। उदाहरण अलंकार, एक वाक्य कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरा वाक्य कहना। नोट, दृष्टांत में दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव रहता है तथा कोई वाचक शब्द नहीं होता, जबकि उदाहरण में दोनों वाक्यों का साधारण धर्म तो भिन्न रहता है परंतु वाचक शब्द के द्वारा उनमें समानता प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण के, वे रहीम नर धन्य हैं, पर अपकारी अंग बाटन वारे को लगे ज्यो मेहंदी को रंग, वाचक शब्द है। अगला है सी, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला है मानवीकरण, पर्सनोफिकेशन, ठीक है, कि अमानव प्रकृति पशु पक्षी एवं निर्जीव पदार्थ में मानवीय गुणों का आरोपण। कि जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से, प्रसाद की है। दूसरा है धवन्यर्थ व्यंजना, मतलब ओनोमेटोपिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनसे वर्णित वस्तु प्रसंग का ध्वनि चित्र अंकित हो जाए। कि चरमर चरमर चू चर चरमर चरमर जा रही चली भैंस गाड़ी, भगवती चरण वर्मा जी की है। अगला है थर्ड, विशेषण विपर्य ट्रांसफर्ड एपिथेट, विशेषण का विपर्य देना या स्थान बदल देना। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बचती है। यहाँ पर विकल विशेषण रागिनी के लिए लगाया गया है, जबकि कवि का हृदय विकल हो सकता है, रागिनी नहीं। नोट, एक तारक चिन्ह स्टार महत्वपूर्ण अलंकार के घोतक हैं और दो तारक मतलब दो स्टार अति महत्वपूर्ण अलंकार।